और पहलो विचार अगर इसो थाने देख रहे हो आवारा पशु देख रहे हो तो इन्हें अलग रखो गौशाला में भर्ती कराओ, भी ने गौशाला में दो और अलग एक अलग डिपार्टमेंट अलग जगह में रखो ताकि आ एक बीमारी है कोरोना की सी बीमारी है ताकि। तो पशुओं के अंदर बहुत महामारी की तरह फैल रही, पहले जैसे कोरोना आया था अपने कोरोना की तरह ये एक दूसरे पशु के संपर्क से आता है। मोस्टली इसका एक होम्योपैथिक दवाई है जैसे आयुर्वेद की है, एक अशोका की है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी है, उनको भी सरकार अपने स्तर पे मान दे देकर जो भी नॉर्मली चार्ज उनका खर्चा पर्चा देके और उनसे फ्री में दवाई का इलाज करवाया जाए। अब LDC, CET, रीट्स मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका, फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। अम्बा गणी राम राम सा, मैं अशोक झलको बीकानेर पर थारा स्वागत करूं एक बार फिर कैमरामैन राकेश के सागे। और पिछला कुछ दिन राजस्थान के प्रत्येक जिले में गाया में एक ऐसी बीमारी देखने मिल रही है जो कि बहुत ही तेजी में फैल रही है, जिन्हें अपा लिम्प स्किन डिसीज के नाम से जान रहे हैं लोग है। और जिन्हें चर्म रोग भी नाम से जान रहे हैं और बिन्हें अपा लिम्प रोग भी कह रहा है। और बा बीमारी इतनी तेजू फैल रही है गाया में कि इनको इलाज भी अबार कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एक देसी उपचार है डॉक्टर के परामर्श पर जो बे आपा ई वीडियो में जान सिया। और एक आवारा पशुओं में लगातार तेजी से फैल रही है, हालांकि घर पर जो भी है वो बहुत इलाज करवा ला है, लेकिन देसी इलाज हो रही है ठीक आप बीमारी, लेकिन आवारा पशुओं के लिए बहुत ही ये बेहद शर्मनाक बात है कि कोई भी प्रशासन है बख कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर रही है और आवारा पशु है इस बीमारी का है वो शिकार हो रहा है। हाँ तो अबार मैं थाने बीमारी का के लक्षण है बे लाइव बताई छू, तो हमारे पास एक आवारा बेल है वो कैमरामैन निवेदन है फोकस करें। और ऐसे बड़े बड़े छाले फपोले हो जाते हैं अगर आपके गाय के घर में, तो समझ लेना ये लिम्प लोग हो गया, लिम्प लोग है वो हो गया रोग है। और ये अगर बहुत बड़ी पूरे शरीर पे फैल जाए तो इसके कुछ इलाज है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा ताकि ये इलाज है वो तैयार कर दी जाए। और ये बीमारी है बहुत ही तेजी में फैल रही है इस पूरे आमने बीकानेर जिले में, बीकानेर एरिया में। तो थारू निवेदन है कि बहुत सावधान सतर्क रहो और पहलो विचार अगर इसो थाने देख रहे हो आवारा पशु देख रहे हो तो इन्हें अलग रखो गौशाला में भर्ती कराओ, भी ने गौशाला में दो और अलग एक अलग डिपार्टमेंट अलग जगह में रखो ताकि आ एक बीमारी है कोरोना की सी बीमारी है ताकि हवाओं श्वास फैले है और इसी बीमारी है कोरोना की सेम बीमारी है तो हवाओं फैलना बीमारी है। तो इन्हें पहला पूर्व अपने एक अलग अलग जगह है वो एक खुले मैदान में अलग रखो ताकि और पशु है बे ई बीमारी को चपेट में नहीं आवे। और दूसरा उपचार है कि अगर 50 लीटर पानी में 250 ग्राम थे फिटकरी लेके पूरी फिटकरी घोल के अगर इन नहलाओ पशु ने तो कुछ है कि 5-7 दिन तक लगातार उपचार करो तो शायद बीमारी है बा दूर हो सके। और भी कुछ उपचार है जगह मैं थाने बता छू वीडियो में बना रहे हो। अगर हमने गोबर छाना बनावा बे छाना लेके और वहाँ में गूगल धूप ना के और धुआं करो पशु के आसपास दिन सुबह शाम चारों तरफ ताकि बे इस देसी इलाज के माध्यम से है बे फफोड़ा है बे धीरे 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 खत्म हो जाएगा। 5-7 दिन तक लगातार करोगा थे तो एकदम खत्म हो जासी और ये बीमारी हुए हमारा बच जासी। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर जान सा मैं एक मेडिकल स्टोर में आता हूँ कि अब अगर थे मेडिकल स्टोर में आता हो तो थाने के डॉक्टर साहब है के हिसाब हूँ गाय ने बचाने वास्ते के चीज देवे के दवाया देवे। वहाँ पर मैं अशोक जी का नावड़ हूँ, अशोक जी आप बता सी कि गाया ने बचाने वास्ते मेडिकल स्तर में आप के आपने सहायता करिए गाय बचाने। अशोक जी सबसे पहले थारो जलको बीकानेर में स्वागत है। नमस्कार, आप आए हमारे यहाँ दुकान पे। तो अभी ये वायरल डिजीज चल रही है मोस्टली, तो पशुओं के अंदर बहुत महामारी की तरह फैल रही, पहले जैसे कोरोना आया था अपने कोरोना की तरह ये एक दूसरे पशु के संपर्क से आता है। मोस्टली इसका एक होम्योपैथिक दवाई है जैसे आयुर्वेद की है, एक अशोका की है, एक ये इम्यूनिटी बूस्टर आ रखा है तो ये पिलाते हैं। 25-25 ml डोज है इसकी, उसकी 5-5 ml डोज है, बाकी एंटीबायोटिक देते हैं और बी कॉम्प्लेक्स और एनाल्जेसिक देते रहते हैं। उससे क्या थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टर भी इम्यूनिटी भी बनी रहती है पशु में और बाकी अच्छा खान पान कराए और फिर फिनाइल से या सैनिटाइज करवाते रहते हैं, वही मोस्टली इलाज है। और एक दूसरे से बचाना इसके लिए सबसे जरूरी है, पशु को दूर बांधना, एक साथ चारा बांटा एक साथ में नहीं खिलाना, जो पशु हो रखा है उसको एक साइड कलिंग कर लेते हैं अलग करके उसको छोड़ देते हैं। मेन उपचार वो है सब। तो दोस्तों अब आते जाने और कोई और भी कुछ से जो उपचार प्रोटोकॉल है जगह हमने मतलब गाय और तो यही है कि इसको थोड़ा दूरी बनाए रखे, ये एक मक्खी की तरह ये एक मक्खी काट लेती है दूसरे पशु के हो जाता है, मक्खियों से भी होता है, ये वायरल है हवा के द्वारा भी फैलता है, जैसे कहीं मक्खी है भी नहीं एक पशु सिंगल भी किसी के घर पे बंद हुआ है तो उसके भी ये बीमारी हो रही है। और अबार में जब आ रहा तो मैं देखा कि मतलब सड़कम आवारा पशु है बे अशोक जी, तो बा वास्ते अबार थे के कहना चाहो क्योंकि आवारा पशु में भी बहुत ज्यादा फैल रहे हो, तो प्रशासन उधारी की डिमांड है। प्रशासन से ही आवारा पशु को ढूंढ कर उनका इलाज करवाया जाए, जैसे हमारे यहाँ रोड पे सामने घूमते फिरते हैं तो उसका हम करते हैं इलाज, निःशुल्क करते हैं, कोई चार्ज नहीं। कल परसों भी एक यहाँ बेल था तो उसके हो रखा था, उसके स्प्रे किया, इंजेक्शन लगा दिया, फिर वापस वो मिला नहीं, ढूंढ के ला नहीं सकते। अगर यहाँ आसपास मिलता है तो उसका इलाज करते हैं निःशुल्क। तो इंसानियत है तो अगर आवारा पशु था
मोस्टली एक ये है कि पशुओं की दवाइयों महामारी के अंदर सबसे सस्ती रेट पे जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेवा कर रहे हैं। तो इंसानियत थाने जिंदा रखनी है अगर तो और भी आमना बहुत बड़ा डॉक्टर भाई है थारा बंधु है जका साथ बन के कहना चाहो अंग बारे में आई कहना चाहवा के पशु है अनमोल प्राणी है तो उसका सही इलाज करे। पशुपालक भी आज आर्थिक स्थिति कमजोर है, पशुपालक भी पहले कचरे का भाव बढ़ गए थे अब ये बीमारी आ गई तो ये भी एक तरह की पशुपालकों की कालग्रस्ती है। और गौ सेवकाओं के निवेदन है गौ सेवकाओं निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं की हेल्प करे और दवाइयों की जो डिमांड हो हमारे से जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार है। और सरकारों के मांगना चाहते सरकार इस पे एक्शन लेके तुरंत निःशुल्क दवा का वितरण करवाए जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पा रहे हैं डॉक्टर लोग कंपाउंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी है उनको भी सरकार अपने स्तर पे मान दे देकर जो भी नॉर्मली चार्ज उनका खर्चा पर्चा देके और उनसे फ्री में दवाई का इलाज करवाया जाए। और अगर थाने कुछ भी किसो भी योजना प्लान अगर सक्सेस करनी है सफल लेनी है तो भी मैं युवा को योगदान बहुत बड़ा तो युवा ने क्या संदेश देना चाहूँ? युवा से ही है कि युवा वर्ग है वो ज्यादा से ज्यादा आए इस क्षेत्र के अंदर और इनका पशुओं का इलाज करे। उनको अगर आपके पास कोई नहीं है तो उसका सामान्य डिटोल से उसके निला सकते हैं वो उससे भी उपचार है उसका। तो धन्यवाद हर अशोक जी और शानदार ये सूचना देने वास्ते और सभी सूचना को है वो पूरा ध्यान रखो थे और क्योंकि गायंग हो है बहुत तेजी फैल रही है। और अशोक जी अगर थे आमने थरकन कोई ग्राहक आवे तो के हिसाब ले रेट के हिसाब अगर बात बताना चाहो तो देखो मेरी दुकान पे जो होलसेल रेट होती है उससे भी मैं नीचे रेट दे रहा हूँ क्योंकि अभी एक महामारी के अंदर अपने प्रॉफिट नहीं कमाना सबसे बड़ी यही है मेरी। धन्यवाद धन्यवाद और वीडियो किसो लगे और सूचना किसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। मैं अशोक जलको बीकानेर मीडिया धन्यवाद।